हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिस वेल्स किचन। तो आज की हमारी रेसिपी है मेयो चीज टोस्ट सैंडविच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून मायनीज ली हूँ। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ओरिगानो। फिर उसके बाद ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, चिली फ्लेक्स मैंने थोड़ी सी ऐड की है। उसके बाद हमें ऐड करना है काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, वो भी लेना है हमें। फिर उसके बाद मैंने यहाँ ग्रेट करके चीज़ ले लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 1 क्यूब चीज़ है यहाँ पर। ये देखिए, चीज़ क्यूब्स ऐड कर देना है जो ग्रेट करके हमने ले ली थी। फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैंने कोरिएंडर लीव्स ली हूँ और एक ग्रीन चिली ली हूँ, बारीक चॉप करके लेना है हमें। ये भी इसमें ऐड कर देना है। और ग्रीन चिलीज ऑप्शनली आप चाहे तो ऐड करें, अगर आप लोगों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चिली पाउडर। ये ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये भी इसमें ऐड कर देना है हमें। फिर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये ऐड करने के बाद अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद, ये देख सकते हो आप लोग, मैंने ब्रेड ली हूँ, उसके ऊपर ये स्प्रेड करना है अच्छी तरह से सब तरफ। इस तरह से स्प्रेड करने के बाद एक खाली ब्रेड उसके ऊपर रख देना है इसी तरह से। और ऐसे ही मैंने सारे ब्रेड्स कर लिए थे। फिर उसके बाद आते हैं इसके टोस्ट करने के टाइम पे। अगर आपके पास टोस्टर है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो ये बहुत ही ईजी तरीका है टोस्ट करने का। लो फ्लेम पर हमें इसे रख देना है और 5 से 4 मिनट के बाद आप लोग इसे टर्न करके देखोगे, माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से टोस्ट हो चुका है। इसी तरह से आप लोगों को टर्न करना है, और चाहे तो आप हल्का सी ऑयल ग्रीस कर सकते हो इसके ऊपर। और मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है क्योंकि मेहमान बहुत सारे आए हैं घर में इस वजह से, और वीडियो पोस्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए थोड़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो इसी तरह से होती है हमारी रेसिपी पूरी, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन तरीके से हो गई है रेडी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसे डिफरेंट वे सर्व करने का। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब टेबल पर सर्व करने के लिए बहुत ही आइडियल आइडिया है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बच्चों को बहुत पसंद आती है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।